तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैमरा हैक करने वाली ट्रैक व्यू का। तो उससे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती थी, जब भी उससे आप कनेक्ट करते थे तो नोटिफिकेशन आ जाती थी। तो एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, आप इससे एकदम फुल 101% कैमरा हैक कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान सेटिंग है इसकी। तो आपको मैं आपके सामने कैमरा हैक करके दिखाऊंगा और ये फ्री है हमेशा के लिए अभी तक, और कम डाटा आपकी नेट की स्पीड कम रहेगी तो भी ये काम करेगी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इंटरनेट की स्पीड कम होगी और सिर्फ आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में है। हमसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी संपर्क किया था, वो बोले थे कि मैं सिर्फ ऑडियो सुनना चाहता हूँ तो उसका भी सॉल्यूशन है इसमें, और वीडियो सुनना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं सारी चीज़ें एकदम 101% बताऊंगा इसमें। तो आप सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर में और आपने ये आईपी वेवकॉम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि इसमें मैं ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आप पहले यूज नहीं किए होंगे। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। तो इसको आपने सबसे पहले सिंपल ओपन करना है, ये उसके मोबाइल में आपने करना है जिसका मोबाइल आपने एक्सेस करना है। तो ओपन कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैं जो जो बताता हूँ वही सेटिंग में आपने छेड़छाड़ करनी है और किसी में नहीं करना है। ये देखिए Asus Zenfone 5 है फोन, मोबाइल आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, ये Zenfone 5 है, कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई डाउट ना हो। तो देखिए सबसे पहली बात, यदि आपकी इंटरनेट की स्पीड कम रहती है तो आप यहां से कर लीजिए, नहीं तो आप अपने मोबाइल में ही सेट कर लीजिएगा, वो बाद में भी हो सकता है, उसकी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए इस पे छेड़छाड़ करनी ही नहीं आपने कुल मिला के, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपने नीचे जाना है, जैसे इसको ओपन किया ऐसे, देखिए ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, वीडियो प्रेफरेंस इस पे आपने क्लिक करना है और कहीं पे क्लिक नहीं करना है। वीडियो प्रेफरेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, रिजोल्यूशन फोकस एंड अदर वीडियो रिलेटेड सेटिंग, ठीक है, यहां पे आपने क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज खुलेगा, इसमें देखिए आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी को, मैं जिसको सिर्फ बताता हूं उसको ही आपने छेड़छाड़ करनी है, इसको सरका के आपने नीचे ले जाना है। और यहां पे लिखा मिलेगा आपको क्वालिटी, तो क्वालिटी पे आपने क्लिक करना है और इसको 100% करना है, ठीक है, पूरा कर दिया ओके। उसके बाद देखिए आपको सिर्फ क्वालिटी 100% करनी थी, तो आपने क्वालिटी कर ली और उसके बाद आपने सीधा यहां से वापस आ जाना है, वापस आ जाना है। उसके बाद देखिए यहां नीचे आइए, नीचे आ गए तो ये इनेबल्ड ही रहता है, इसको आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे मेन बात यहां पे आपने डिसेबल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना है, ताकि जब भी आप कनेक्ट करें तो उसको नोटिफिकेशन ना जाए, चेक कर दिया। उसके बाद स्ट्रीम ऑन डिवाइस बूट, इस पर आपने चेक कर देना, क्या होगा कभी कभी ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना, क्या होगा उनका नेट ऑफ होगा तो फिर ये ऑटोमेटिक रन करके अपने आप ही एप्लीकेशन अपना काम चालू कर देगी, मतलब ऑफ हो जाएगा उनका मोबाइल, अब जब दोबारा ऑन होगा तो ये एप्लीकेशन अपने आप चालू हो जाएगी। दूसरा एक बात और बता देता हूं, आप इसका मिस यूज नहीं कीजिएगा, मैं वीडियो के पहले ही आपको वार्निंग दे दिया हूं, वार्निंग में लिख के बता दिया हूं कि इसका मिस यूज ना करें, इसका यूज तभी करें जब आपके छोटे बच्चे हों, 18 साल से नीचे के बच्चे हों, और उनके बारे में यदि आप उनके डैडी हैं या मदर हैं तो उनके बारे में आप जानकारी लेने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई गलत काम यदि करते हैं तो इसका जिम्मेदार चैनल नहीं होगा। हम आपको सिर्फ सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो उसके बाद आपने स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करना है, ठीक है, स्टार्ट सर्वर पे क्लिक किया और यहां पे यस कर देना है, तो ये क्या करेगा, छोटी सी एक फाइल डाउनलोड करेगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो गया, अभी क्या करना है आपने, यहां पे देखिए एक्टिवेट हो गया है, अभी क्या करना है आपने, इसको एक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, एक्शन पे क्लिक किए
तो ये देखिए शेयर आईपी का एक ऑप्शन आता है, तो शेयर आईपी पे क्लिक कीजिए तो ये व्हाट्सएप का आपको टैब खोल देगा। तो आपने अपने व्हाट्सएप पे ये वाला आईपी भेज देना है, ठीक है? मैं भेज देता हूँ, भेज दिया, ये आईपी भेज दिया। अपने आपने जिस मोबाइल में इसको हैक करना चाहते हैं, वैसे दो तीन मोबाइल से भी आप इसको हैक कर सकते हैं। वो भेजने के बाद इसको आपने एक्शन पे क्लिक करके रनिंग बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया, ओके आई गेट इट, और इसको फिर हाइड कर देना है। मैं हाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि कई लोगों को दिक्कत होती है कि हाइड करने के बाद एप्लीकेशन काम नहीं कर रही सर, तो इसलिए मैं आपको हाइड करके ही पूरी कार्रवाई दिखाऊंगा। इसको हाइड कर दिया, हाइड दिस है, हाइड हो गई। तो आप कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इसको हाइड कर दीजिए, अभी इस मोबाइल को छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी आपके सामने मैंने जिसमें वो आईपी भेजी है उसको मैं खोल के दिखाता हूँ आप। तो ये देखिए ये आईपी आ गई हमारे पास उसकी। अभी इसको आपने कॉपी कर लेना है और क्रोम में जाना है, ठीक है? आपके सामने दोनों मोबाइल रख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्रोम में जाना है आपने, इसकी काफी सारी सेटिंग है, आपको सारी सेटिंग मैं बता दूंगा। क्रोम में जाइए और यहां पे सीधा वो आईपी टैप करके पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया। अभी आपने इसको खोल लेना है, अभी देखिए आपके सामने ऐसा टैब खुलेगा। अभी यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, आपने यहां पे देखिए जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है? इसमें काफी सारे ऑप्शन है, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा। जावा स्क्रिप्ट लिखा दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए तो उसकी वीडियो यहां पे आ गई है, देखिए आ गई, देखिए ठीक है, इसकी वीडियो चल रही है इसमें। अभी मैं आपको इस एक मोबाइल का कैमरा दो मोबाइल से हैक करके दिखाऊंगा, ठीक है? दो मोबाइल से भी हैक करके दिखाऊंगा। ये देखिए पूरी उसकी वीडियो एक बार फुल स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ। फुल स्क्रीन पे क्लिक किया तो देखिए फुल स्क्रीन पे इसको आप जितना में चाहे उतना में बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए इसका कैमरा के आगे मैं उंगली कर रहा हूँ, यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस मोबाइल से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है उस मोबाइल का देखिए फोटो ले रहा है, वो भी आसूस का ही है। और ये देखिए पूरा मतलब, और इस मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और हाइड की हुई है, ठीक है? हाइड की हुई है। अभी इसका मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए डाटा ऑफ कर दिया, तो ये वीडियो रुक गई। अभी वापस जाते हैं, वीडियो रुक गई, अभी इसका डाटा ऑन कर देते हैं। बाय द वे उन्होंने मोबाइल ऑफ कर लिया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, मोबाइल ऑफ हो गया, अभी उनका मोबाइल ऑन हो गया और वो वाईफाई या अपना इंटरनेट चला रहे हैं। उसके बाद देखिए पहले रुका हुआ था, अभी देखिए जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, अपने आप कनेक्ट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी दो मोबाइल में आपको करके दिखाता हूँ, दो मोबाइल से मैं इसको हैक करूंगा। तो दोस्तों आपके सामने तीन मोबाइल रखा हुआ है, तीन मोबाइल, ये जो मोबाइल है ये हैक्ड है, इसको हैक किया है मैंने, और इसका लाइव टेलीकास्ट मैं इन दोनों मोबाइलों में देख सकता हूँ, दो या तीन, मतलब जितनी आपकी नेट की स्पीड रहे उस पर निर्भर करता है। ये देखिए आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इसीलिए तीन मोबाइल में लाया हूँ। इस मोबाइल को मैं जहां जहां करूंगा तो दोनों मोबाइलों में आपको वो वीडियो दिख रहे हैं, ये देखिए ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो टचिंग में नहीं है, इसलिए ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ, इसके सामने मैं भी करूंगा, आप उस दोनों में देख सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन में एक बार कर देता हूं मैं, आपको अच्छी तरह पता चले, दोनों को फुल स्क्रीन में कर देता हूं। अभी देखिए जो भी इस मोबाइल में होगा, इस मोबाइल के आगे पीछे जो भी कार्रवाई होगी वो उस दोनों मोबाइल में मैं लाइव देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। एक दो देखिए उन दोनों मोबाइलों का, ये देखिए देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, और इस मोबाइल में आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इस मोबाइल में क्या हो रहा है, ठीक है? ये देखिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप एक जगह नहीं, दो जगह, तीन जगह, जितनी जगह चाहते हैं इस मोबाइल में जो जो हो रहा है देखिए, पूरी कार्रवाई आपको दोनों मोबाइलों में फर्स्ट क्लास दिख रहा है। ये मोबाइल में जहां जहां ले जा रहा हूं वहां वहां दिख रहा है, ठीक है? ये देखिए
कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी और कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ये करना कैसे है मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डर पर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब कुल मिला के आप चाहते हैं कि मैं दो जगह से, तीन जगह से, जितनी जगह से आप चाहें उतनी जगह से अपने घर में या किसी पे भी फुल नजर रख सकते हैं, ठीक है। एक मोबाइल को जितने मोबाइल में चाहे आप देख सकते हैं, जितना जगह ये देखिए, ठीक है। तो ये कैसे करना है मैं अभी बता देता हूं। तो ये देख लिया आपने, अभी देखिए आपको, आप बोल रहे होंगे कि साउंड के बारे में तो बता ही नहीं रहा, साउंड का देखिए, साउंड का देखिए, यहां पे आप HTML5 OPUS लिखा हुआ दिखेंगे, इस पे क्लिक कीजिए, साउंड भी आएगा अभी, ठीक है, साउंड भी आएगा, देखिए आ रही है ना साउंड फर्स्ट क्लास, और इस मोबाइल में कुछ नहीं हो रहा है, इस मोबाइल में कुछ नहीं हो रहा। अभी और चीजें मैं दिखाता हूँ, अभी साउंड को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। अभी देखिए, बाय द वे आपके इंटरनेट की स्पीड कम हो गई, ठीक है, कम हो गई, तो आप क्या करेंगे, इस लाइट से शायद दिक्कत हो रही थी, आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो गई तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां नीचे जाइए, एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिए। अभी बाकी चीजें मैं इसकी पूरी कार्रवाई स्क्रीन रिकॉर्डर पे करके दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे में शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, आपको पूरी वैसे दिखा दिया मैंने, बाकी चीजें मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, और फुल स्क्रीन में आपको कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पे क्लिक किया यहाँ पे फुल स्क्रीन पे, और आप जितनी बड़ी स्क्रीन में चाहें इसको देख सकते हैं। देखिए इस मोबाइल को जहां जहां घुमाऊंगा फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया काम करती है और एकदम 101% काम करती है। ये देखिए, इसको आप बड़ा करके और देख सकते हैं, देखिए मैं उंगली इसके सामने कर रहा हूँ, इस कैमरे के सामने। एक चीज और दिखा देता हूँ, इसका फ्रंट कैमरा कैसे आपने ओपन करना है। जैसे आपका ऐसे किसी ने मोबाइल रख दिया, देखिए ऐसे जावास्क्रिप्ट क्लिक किया, अब जैसे देखिए ऐसे मोबाइल रख दिया किसी ने तो अंधेरा हो जाएगा, तो आप यहां से फ्रंट कैमरा पे क्लिक कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फ्रंट कैमरा एक्टिवेट कर देगा। ये देखिए फ्रंट कैमरा एक्टिवेट हो गया, मेरी फोटो आ रही है इसमें, इस मोबाइल की भी आ रही है, तो 101% काम करती है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग पूरी स्क्रीन रिकॉर्डर पे अच्छे से बता देता हूं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में एक कमी भी है, उसका भी मैं जुगाड़ निकाल रखा हूं, आप चिंता मत करिए। इसमें क्या है, आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाउनलोड फ्री में नहीं कर सकते, उसके लिए पैसा लगता है। तो मैं आपको फ्री में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए, जैसे क्रोम में गए, सॉरी अपना वो नहीं लिया मैंने, पहले आपने व्हाट्सएप से जो आईपी आपने भेजी है उस मोबाइल का, उसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सबसे पहले कॉपी कर लिया, उसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, क्रोम में गए और नया टैब खोलेंगे फर्स्ट क्लास, और वहां पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे वो वाला आईपी, पेस्ट कर लिया, उसके बाद तीर पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए, इसको आप डेस्कटॉप साइड में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, डेस्कटॉप साइड में ले लिया, वैसे काम वैसे भी करती है लेकिन डेस्कटॉप साइड में क्या है, पूरा चीज दिखता है। अब देखिए, आपको पूरी कहानी बताता हूं। जैसे आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए उसका कैमरा मेरी तरफ ही है, तो देखिए उसका पूरा आ गया ना, उसका वीडियो इसमें चलने लगा। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी ऑडियो भी आ जाएगी, HTML5 मोबाइल दिख रहा होगा बगल में, ऑडियंस पे क्लिक किया, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए उसको आपने फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है और उसकी वीडियो ऑडियो जो भी करनी है आपने, देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेनी है, अभी तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी लेकिन जो क्वालिटी आ रही है वो आपके पास रिकॉर्ड होगी फर्स्ट क्लास। उसके बाद अभी देखिए एक और सेटिंग बताता हूँ। अभी देखिए, यहाँ से आप उसकी वीडियो को जावास्क्रिप्ट पे गए, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, ये देखिए
देखिए जूम कर सकते हैं, मतलब कोई दूर की चीज उसके कैमरे के सामने रखी हुई हो, आपको दिख नहीं रही हो, तो उसको जूम कर सकते हैं। यहाँ से फोन जूम करिए यहाँ से और मजे से देखिए, बैक कैमरा ऑन कर लेते हैं, तो जूम हो गया, जूम का सिखा दिया, तो जूम मैं वापस कर देता हूँ वहां पे। उसके बाद देखिए बैक कैमरा ऑन कर देता हूँ, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, तो वो दोनों यहाँ से हुआ। इस पे क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा और दोबारा क्लिक करेंगे तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल को मैं खड़ा रख रहा हूँ ताकि आपको, अभी जूम का देखिए मैं दिखाता हूँ जूम, ये देखिए और स्ट्रीम क्वालिटी। तो इसमें आपने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैं जो जो बता रहा हूँ उसी को आपने करना है छेड़छाड़, और कुछ नहीं करना है आपने। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डर कंट्रोल, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग इस वेबसाइट के पास जाएगी और वहां से आप डाउनलोड तभी कर पाएंगे जब आप पैसे पेड करेंगे। तो आपको सबसे बढ़िया सिंपल तरीका बता तो दिया मैंने, आप स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद देखिए मोशन डिटेक्शन एरियाज पे क्लिक करिए, तो इसमें आप कुछ मत करिएगा, ठीक है। ये क्या कैमरे का जगह है कि मतलब यहाँ पे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है वैसे। एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिए, एडवांस सेटिंग पे क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे नाइट विजन, अभी देखिए यहाँ से आप रात को भी, मतलब रात है मान लिया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं नाइट विजन एक्सप्लोर, तो इससे क्या होगा आपको मतलब थोड़ा अंधेरा सा है तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद वीडियो रिजोल्यूशन, मैंने आपको बोला था ना कि आपकी इंटरनेट की स्पीड यदि कम है तो आप यहां से उसको इस पे क्लिक कीजिए वीडियो रिजोल्यूशन पे और एक कम कर दीजिए, ठीक है, 640x480 या 320x240 कर दीजिए। और यदि सिर्फ आपको ऑडियो सुननी है, सिर्फ ऑडियो, तो आपने इस पे क्लिक करना है 176x144, इस पे क्लिक कर दिया और यहां पे आइए और यहां पे आपने देखिए इस पे क्लिक करना है HTML5 OPS, तो ऑडियो आएगी सिर्फ HTML5 OPS, ये क्या होगा ऑडियो आएगी सिर्फ, देखिए ये क्या फोटो सिर्फ फोटो ब्लिंकिंग करेगी, आपके पास कोई वीडियो नहीं आएगी उसकी, ठीक है, मतलब आएगी लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी में आएगी, उससे आपके इंटरनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास बढ़िया क्वालिटी में ऑडियो आएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो इसको मैं अभी फिलहाल 640x440 पे कर देता हूँ। उसके बाद फ्लैश मोड, देखिए जैसे रात होती है तो आपको फ्लैश दिख नहीं रहा है, अंधेरे में मोबाइल है, तो आप यहाँ से फ्लैश उसका ऑन कर सकते हैं, देखिए फ्लैश ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए फ्लैश का ऑप्शन ऊपर ही दिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके फिर वहां से ऑन करना पड़ेगा, तो फ्लैश मत कीजिएगा, फ्लैश में तो आप पकड़े जाएंगे तो ये तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद फोकस मोड, बाकी इन सब में आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है, कलर कूलर क्या करना है इसको, आपको सिर्फ नॉर्मल ऑडियो वीडियो देखनी है। तो ये देखिए एक बार और बता देता हूँ, यहाँ से आप कैमरे का फ्रंट और रियर का वो कर सकते हैं, जैसे इसे दबाया तो देखिए अभी फ्रंट कैमरा हो गया, मैं आपको दिख रहा हूँ और इस पे दोबारा दबाया तो रियर कैमरा एक्टिवेट हो गया, ये देखिए एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जूम हो सकता है, जूम आपको दूर की चीज अच्छी नहीं दिख रही तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम कर दिया। उसके बाद मेन ऊपर वाली चीज है, आपको यदि ऑडियो भी सुननी है तो आपने HTML5 OPUS पे भी क्लिक करना है, पहले जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे, बंद कर देता हूँ, और बाकी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी देखिए यहां से वापस जाते हैं, वापस गए तो डिसकनेक्टेड हो गया, अभी देखिए दोबारा जाएंगे तो दोबारा वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पेस्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए और आ गया वीडियो, ये देखिए मस्त तो काफी मस्त मतलब काम करती है दोस्तों, बहुत ही बेहतर काम करती है। कई लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गया, काफी दिनों से लोग हमसे ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिससे तो नोटिफिकेशन भी ना आए, एप्लीकेशन हाइड भी हो जाए और मैं चाहूँ तो ऑडियो सुन सकूँ, वीडियो सुन सकूँ, और वो अपने मोबाइल में कुछ भी करते रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इसको हमेशा ही आप यूज मत कीजिएगा, जैसे क्या होता है कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जते, अति सब जगह वर्जित है, आप हमेशा इसको ऑनलाइन ही रखेंगे तो एक तो उनका डाटा खर्च होगा, ठीक है,
दूसरा उनका मोबाइल का बैटरी है एकदम धड़ाक से जाएगा, क्योंकि कैमरा ऑन रहेगा तो बैटरी काफी ज्यादा दुगनी खाएगी। तो इसको कभी कभी यूज कीजिए और गलत काम में मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो मैं वीडियो ऐसी डालना बंद कर दूंगा। मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन मैं काफी लोगों के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग अपने बच्चों पे नजर रख सके। तो इस वीडियो को तो शेयर करना बनता है दोस्तों, और यदि अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी।